अपनी आकर्षक कलाकृतियों और ऐतिहासिक मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध खजुराहो भारत के हृदय मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो नाम हिंदी शब्द खजूर से आया है। कहा जाता है कि खजुराहो के संस्थापक राजा चंद्रवर्मन ने पूरे शहर के चारों ओर खजूर के पेड़ लगवाए थे, जिसके कारण इसका नाम खजुराहो पड़ गया। प्राचीन काल में इसे खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। 9वीं से 11वीं सदी के बीच बनाए गए खजुराहो के इन मंदिरों का निर्माण चंदेल साम्राज्य काल में किया गया था। 1986 में विश्व विरासत की सूची में शामिल खजुराहो समूह के मंदिरों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पूर्वी समूह, पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह शामिल हैं। खजुराहो के सबसे ज्यादा मंदिर पूर्व से पश्चिम की ओर बने हैं। इन सभी मंदिरों को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। 12वीं सदी में कुल मंदिरों की संख्या 85 थी, जो 20 किलोमीटर वर्ग के दायरे में फैले हुए थे, लेकिन इनमें से अब केवल 25 मंदिर ही बचे हुए हैं, जो 6 किलोमीटर के दायरे में फैले हैं। इन 25 मंदिरों में 10 मंदिर विष्णु के, 8 शिव के, 1 मंदिर सूर्य का, 1 मंदिर 64 योगिनी का और 5 जैन मंदिर हैं। खजुराहो के इन मंदिर समूहों में सबसे विशालतम ये है कंदारिया महादेव मंदिर, जो अपनी भव्यता के लिए खास तौर से जाना जाता है। पश्चिमी समूह के इस विशाल मंदिर का निर्माण महान चंदेल राजा विद्याधर ने कराया था। नागर शैली में बने इस शैव मंदिर का निर्माण लगभग 1050 ईस्वी में कराया गया था। ये पूरा मंदिर उत्कृष्ट बलुआ पत्थर से निर्मित है, जबकि इसका प्लेटफॉर्म ग्रेनाइट पत्थर से बना है। प्लेटफॉर्म से मंदिर 30.5 मीटर ऊंचा, लगभग इतना ही लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, जबकि इसकी कुल ऊंचाई 35.5 मीटर है। क्या आप जानते हैं कि कंदारिया मंदिर को बनाने में किसी भी तरह के चूने या गारा का इस्तेमाल नहीं हुआ है? दरअसल इस मंदिर को बनाने में भारी पत्थरों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें चूने या गारा से जोड़ने की बजाय काटकर एक दूसरे पर बैठाया गया है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर जहां कुल 646 आकृतियां विराजमान हैं, तो वहीं मंदिर के अंदर 226 आकृतियां बनी हैं। मूर्तियों की ये संख्या यहां बने सभी मंदिरों में सबसे अधिक है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में सिर्फ कामुक मूर्तियां पाई जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 10% मूर्तियां ही यहां मैथुन की हैं, जबकि बाकी 90% मनुष्य के दैहिक जीवन पर आधारित हैं, जिनमें किसान, संगीतज्ञ और महिलाओं को दर्शाया गया है। इसके मंडप की छतों पर भी पाषाण कला के सुंदर चित्र देखे जा सकते हैं। भारतीय प्राचीन कला प्रदर्शन का सजीव उदाहरण पेश करते इस मंदिर का प्रवेश द्वार कंदरा यानी गुफा के समान प्रतीत होता है। यही कारण है कि इसका नाम कंदारिया महादेव मंदिर पड़ा है। मैथुन मूर्तियों से अलंकृत इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक भी कामुक मूर्ति देखने को नहीं मिलती। इसके प्रवेश द्वार की एक खासियत ये भी है कि ये एकल पत्थर से बनी माला से सुसज्जित है। मंदिर की विशाल संरचना खड़ी पहाड़ी के आकार में है, जो मेरु पर्वत का प्रतीक है। ये मंदिर 5 भागों वाली वास्तुकला शैली में डिजाइन किया गया है, जिसमें मुखमंडप, अर्थमंडप, महामंडप, अंतरालिका और गर्भगृह शामिल हैं। इन सभी मंडपों के अपने अपने श्रृंग हैं, जो गर्भगृह की ओर बढ़ते हुए मुख्य शिखर पर आकर समाप्त होते हैं। ये मुख्य शिखर समरस आकृति के 84 लघु शिखरों का संयोजन है। ये समरसता मंदिर को अनुपातिक सुडौलता प्रदान करती है, जिसके चलते मंदिर के आकार में एक विशेष लय देखने को मिलती है। भारत की अति विकसित संस्कृति का उदाहरण पेश करती स्थापत्य की इस विधा के मूल में कारण और औचित्य चाहे कुछ भी रहा हो, ये तो निश्चित है कि उस काल की संस्कृति में ऐसी कला का भी महत्वपूर्ण स्थान था। तो सोच क्या रहे हैं, अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक खजुराहो को देखने के लिए निकल चलिए मध्य प्रदेश की ओर।